कहते हैं सबको और सबको ये दिशा निर्देश हो जाता है कि इस लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका क्या रहेगी। ये बात सही है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के बाद मैंने जिस दिन पहले गांव में मीटिंग करी तो मैंने ये बात कही थी कि इंडिया गठबंधन से अगर हमें मौका मिला तो हम चूरू लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट अगर सीपीएम को मिली तो सीपीएम के कैंडिडेट हम होंगे। मैं गांव गांव धन्यवाद करने गया था, हर चौक में ये बात बोल के आया। मैंने ये बात भी बोली अगर गठबंधन में हमें सीट नहीं मिली तो हम गठबंधन का धर्म भी निभाएंगे। हालांकि अभी गंगानगर और सीकर की बात चल रही है इंडिया गठबंधन में सीपीएम को टिकट मिलने की, लेकिन पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उस गठबंधन की जिम्मेदारी ये कि गठबंधन किस लिए प्रकाश में आया। देश में जिस तरीके से मोदी और शाह का राज, जिस तरीके से मोदी और शाह इस हिन्दुस्तान में अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर के वसूली भाई का धंधा कर रहे हैं, आईटी सीबीआई ईडी नाम के तीन बदमाश अपने साथ लेकर के दोनों आदमियों ने जिस तरीके से हिन्दुस्तान की व्यवस्था बनाई, इसके खिलाफ देश की बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण करा। मैं आप तमाम साथियों को सतर्क करना चाहता हूं कि हमें बहुत गंभीरता के साथ ये सिर्फ लड़ाई राहुल कस्वा की और सिर्फ लड़ाई कांग्रेस पार्टी की सीपीएम पार्टी की नहीं, ये लड़ाई देश के किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई देश की संपदा को बचाने की लड़ाई है जो आजादी के 75 साल बाद इस अमृत काल में अमृत जो किसान और मजदूर के हिस्से में आना चाहिए था वो अमृत जिस तरीके से अदानी और अंबानी को लुटाने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं, तमाम उनके टुकड़खोर लोग जो इस अमृत को जनता की संपत्ति के अमृत को लुटाने का काम कुछ पूंजीपतियों को कर रहे हैं उसमें सिर्फ और दो लोग ही नहीं वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो उनकी बातों को जनता तक लेके जाते। आपको याद होगा भादरा विधानसभा का चुनाव, अरे वो रैली जिसमें कम से कम 70,000 लोग थे, किसान यहां का मजदूर यहां का सीधा साधा आदमी बलवान पूनिया के पक्ष में वोट डालना चाहता था और उन्होंने 1,16,16 वोट भी डाले, लेकिन वो सट्टे लगाने वाले लोग, वो जो दो नंबर की पूंजी लगाने वाले लोग, जो पैसे के बल पर लोगों को खरीद लेना चाहते थे, वो लोग आज देश की सत्ता को तीसरी बार फिर काबू करना चाहते हैं। ये जो राम सिंह कस्वा के लड़के राहुल कस्वा ने जो जेहरी गाड़ी है, इस जेहरी को चारों तरफ से अगर आप हम नहीं पकड़ेंगे तो हमारा किसान का अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं सही बता रहा हूं आपको, हमारी लड़ाई ये कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में बोलने की लड़ाई थी, ये सवाल उठाने की लड़ाई थी जो जिम्मेदारी हम सब मिलकर के राहुल कस्वा को देंगे। हो सकता है उसमें बीजेपी के नेतृत्व ने इनको खुल करके नहीं बोलने दिया हो। हम पूछेंगे ये सवाल देश की सत्ता से कि हमारे 40 नौजवान शहीद हुए सीआरपीएफ के लोग, जिसको पुलवामा हमले के नाम से जानते हैं, वो बारूद कहां से आया जो हमारे किसान के बेटों की बोटियां उड़ा के चला गया। आपने पुलवामा के बाद राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन फिर अगला चुनाव आ गया, लेकिन आपने ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि पुलवामा में बारूद कहां से आया था। और बेईमानों ने हमारी उन बेटियों के छाती पर लात मारने की कोशिश करी जो बेटियां मेडल लेकर के आई थी और ये कहा कि ये किसान परिवार की बेटियां दिल्ली में जंतर मंतर पर कैसे आ गई, हमारी छातियों को रोदने के काम कर रहे थे। ये सवाल हमारे सामने है कि देश में बीमा कंपनियां 60,000 करोड़ के बेनिफिट में है, आज भी हमारा किसान फसल बीमा के लिए लड़ रहा है। जरूर बाजरा से आवाज उठाने वाला आदमी विधानसभा चला गया था, राहुल कस्वा ने प्रयास करा होगा, लेकिन आज भी हमारे किसानों के सामने ये चुनौती है। आज भी हमारे बेटे जो सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ धूप करके खून पसीना ले करके
देश की सीमा की रखवाली में जाते थे, जिनको बड़े गर्व के साथ हम फौजी कहते थे, अगर वो शहीद हो जाते तो पूरा का पूरा इलाका निकल जाता उनकी शहादत को सलाम करने के लिए। हमारे चूरू झुंझुनू और सीकर के लाल जो देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते थे, गरीबनों ने वो भी नहीं छोड़ी, अग्निवीर रूपी दानव हमारे सामने खड़ा कर दिया। और वो तो अग्निवीर का एक अग्निवीर लाल कस्मा को भी बनाना चाहते थे, लेकिन हम कहते हैं उनको चुनौती करते हैं कि आज की अग्निवीर भी बनेगी और लाल कस्मा पार्लियामेंट भी जाएगा। दोस्तों हम भूले नहीं, जब हम राजस्थान की विधानसभा में बोलते थे तो बीजेपी के लोग जिस दिन उच्च शिक्षा पर चर्चा होती थी तो गूंगों की तरह नारे लगाते, ये आवाज निकालते, ये सारी की सारी अनपढ़ फौज जो देश की सत्ता पर काबिज हो गई उनको उखाड़ फेंकने का वक्त ये लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हो सकता है हम आज से एक हफ्ते पहले खुद उम्मीदवार थे और चाहते थे हमारी उम्मीदवारी हो, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम मैंने इसलिए करा है, क्या भादरा के नौजवान साथियों चूरू लोकसभा क्षेत्र में सीपीएम का कोई एमएलए था? नहीं था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम आपको यह उम्मीदवार बनाएंगे, आप तैयारी करो। हमारी सीपीएम कह रही थी बलवान तू भी तैयारी कर ले, इंडिया के गठबंधन में चूरू मिल सकती है। जब हम किसी से सहयोग ले सकते हैं तो क्या हम किसी से को सहयोग दे नहीं सकते? मैं भाजपा के एक एक कार्यकर्ता साथी से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे लिए आपके लगन थी उससे ज्यादा लगन करोगे तो राहुल कस्मा यहां से न सिर्फ 1,16,16 वोट लेंगे बल्कि उससे बड़े ज्यादा वोट लेंगे। साथी बलवान फगेलिया ने सही बात उठाई, 3 महीनों में जो लोग गलती कर गए थे 3 महीने पहले वो गलती अब दोहराएंगे नहीं, वो लोग हमारे साथ आएंगे। मैंने इस भादरा को ऐसा सुंदर भादरा बनाने की कोशिश करी थी, जहां कॉलेज और स्कूल खोले थे, जहां सड़कें अच्छे बनाने के काम करा था, जो काम को ब्रेक लग गया अब हमारे एमपी साहब जीतेंगे उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम सब लोग मिलकर के इनको एमपी जिताने का काम करेंगे। मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, कभी दुश्मन को कमजोर मत समझना। राहुल जी तो कह रहे हैं कि वो आए नहीं, अभी उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। राहुल जी आप तो उनके भीतर रहे हो, वो कितने साथी रहे, वो बिना आए भी फोन के जरिए हर आदमी के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक बात कह रहे हैं कि आ गई जी सिमेड़ी अगे राहुल कसूर है। ठीक है सारी बात मान ली तो मोदी और शाह के सिमेड़ी अगे बाबू छुटा दो, मैं कोई नहीं राहुल जी कर लेंगे बात। अच्छा मोदी तो तीसरे बनाना चाहो, राहुल कसूर तीसरे बने सारे पेट में घुरड़ी घुरड़ है, बड़ा दो अब के तो लड़की कोनी मैं अटिया पीछे मैं आगे सागा और मजबूती के सागा बात लड़की जेड़ी आई धरती को बिचारो कट्ठे वो बेरो पारनो है वो बिचारो चूरू है वो बेरो पड़ गयो सारा ला जाओ जेड़ी के बात करो वो बिचारो धरती को चूरू मार गयो अब बेरो पड़ जैसे दौड़के को ज्यादा वो तय करनो है और तय किया करनो है। अभी थोड़ा सा दिन बचे, 1 महीनों मात्र, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, 6-1 महीने के बाद वोट पड़ेंगे, बिल्कुल इस इलाके में काम का टाइम होगा। अभी आप सरसों में लगे हो, 10 अप्रैल के करीब गेहूं में धरती रल जाएगी, गेहूं के खेत में होंगे आप, हम गांव में प्रचार करने जाएंगे, आप खेत में होंगे। राहुल जी हमारे साथ तो जितनी भी फौज है सारे खेती खड़ लोग हैं, पर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये खेती खड़ उस दिन धरती लेकर के सीधे के सीधे पहले बूथ पर जाएंगे, वोट डाल करके फिर खेत में जाएंगे, एक एक वोट पोल कराएंगे। बाजरे की गिर सबसे बड़ी होनी चाहिए, तब हमें यह महसूस होगा कि हमारी हार का भी बदला लेना है और उस बात का भी बदला लेना है जो राहुल कस्मा के साथ उन्होंने करी। दो बदले होंगे बाजरा के पल्ले, अगर आपने गुस्सा था, अगर विधानसभा चुनाव में हमारी गलतियों से हारे, थका हटका आपका भूखा रह गया, थका हटे अपनों युक्ति को ऋषि जी, अपनी भीड़ बड़ी, अपनी रैली बड़ी,
अपना लोग ज्यादा चुनाव 211-232 जीत गया। आज वे ज्यादा लोग सक्रिय हो गए लागो और मजबूती के सगे इस तहसील में राहुल कृष्ण जी आगे भेजो। मैं थाने विश्वास दिलाऊ शेर सिंह जी कहा कि बलवानपुरी और कामरेड पार्टियों आज कांग्रेस में आ गया, बिल्कुल मैं थारे समर्थन में आ गयो, कान पर्ची मारो समर्थन करियो, आज मैं थारो समर्थन करा। अरे देश की परिस्थिति है आज पार्टियां की बात बची को नहीं, फिर देखोगा थारे कोई मांगे रिपिया और बैंक भेजे जागे को कि भाई मेरा रिपिया दे, समझ में आवे खेत के मैं रिपिया ना मांगो और फिर मैंने घेरे जागे को के रिपिया दे अगलो के क्यों दू, फिर मैंने खेत मुट्ठी भी खुलवाओ कुड़ी पींच गे कड़ाई पींच गे कुड़ी पींच गे और फिर मैं मुट्ठी खुलवाओ बेन के कैसे बताओ बेन कैसे गुंडागर्दी ए देश का मोदी और शाह देश के लोग गुंडागर्दी कर रखी है। जकी कोरोना मापा मरा और बैठे में इंजेक्शन और रेमडेसिविर कंपनी को 55 करोड़ को इलेक्ट्रोल बॉन्ड लियो, तू के जीमा जू इंजेक्शन बेच बॉन्ड ले लियो, ईसा ईसा देश में बा 1 खरब और 1600 करोड़ रुपया का बॉन्ड का बड़ी अमाउंट का बॉन्ड देश की कंपनियां को ले गए, इतनो भारी चंदो इकट्ठो करके और अदानी और अंबानी खातर देश की सारी संपदा खोल दी और आके मोदी जी खाली झोड़ो दे गए। अरे रसद के दिलन में कह के रेडियो में आवाज लगा दे क्या झोड़ो बनतागा किट जाएगा लुगाई गई रसद का डीलर करे जो झोड़े के ऊपर मोदी भजलाल और की कोनी अशोक गहलोत आगे की फोटू तो खिता दी पर मैंने मां जोड़े में की कोनी खाली जोड़ो देख के बेटू बनाया जोड़े के मां समान कोनी पैदा खाली जोड़ो पकड़ा दियो गहलोत साहब तो मैं कोई किट दे करता अन्नपूर्णा जगह के मां तेल टिक्की बिंदी शोर सारो समान हो लुगावड़ी लागी लागी हो जल्दी बापरी अब भाजी भाजी गई सोचो जाने मोदी बड़ो आदमी है जोड़ो कोई ढंगो देगो आगे जाके देखेंगे जोड़ेगा टूट गई 80